नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई मंडी अपडेट्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिक और चलिए जान लेते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की मंडियों में क्या रहे फसलों के दाम। शुरुआत करते हैं धान से। दादरी की मंडी में धान के दाम थे 3,451 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में थे 3,210 रुपए, हाथरस की मंडी में थे 3,210 रुपए और मवाना की मंडी में थे 3,200 रुपए। बात करें अगर मूंग की तो मिर्ज़ापुर की मंडी में मूंग के दाम थे 7,870 रुपए, जौनपुर की मंडी में थे 7,860 रुपए, मेरठ की मंडी में थे 7,850 रुपए और वाराणसी की मंडी में थे 7,850 रुपए। बात करें मक्के की तो जौनपुर की मंडी में मक्के के दाम थे 1,915 रुपए, मेरठ की मंडी में थे 1,900 रुपए, मुजफ्फरनगर की मंडी में थे 1,885 रुपए और सहारनपुर की मंडी में थे 1,880 रुपए। मूंगफली के दाम कानपुर की मंडी में थे 6,050 रुपए, कानपुर देहात की मंडी में थे 6,200 रुपए, वाराणसी की मंडी में थे 5,900 रुपए, प्रयागराज की मंडी में थे 5,850 रुपए और माधोगंज की मंडी में थे 5,850 रुपए। गेहूं की बात की जाए तो डुंडला की मंडी में गेहूं के दाम थे 2,020 रुपए, फरुखाबाद की मंडी में थे 2,010 रुपए, कौशिकला की मंडी में थे 2,000 रुपए, आगरा की मंडी में थे 1,995 रुपए। बाजरे के दामों की बात की जाए तो कानपुर की मंडी में बाजरे के दाम थे 1,655 रुपए, फतेहपुर सीकरी की मंडी में थे 1,640 रुपए, कानपुर देहात की मंडी में थे 1,640 रुपए, उछनेरा की मंडी में थे 1,640 रुपए। प्याज की बात करें तो रामपुर की मंडी में प्याज के दाम थे 2,330 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में थे 2,300 रुपए, मऊरानीपुर की मंडी में थे 2,175 रुपए, फतेहपुर सीकरी की मंडी में थे 2,170 रुपए। अंत में बात करते हैं टमाटर की तो रामपुर की मंडी में टमाटर के दाम थे 3,320 रुपए, प्रतापगढ़ की मंडी में थे 3,100 रुपए, शाहगंज की मंडी में थे 3,000 रुपए, तुलसीपुर की मंडी में भी थे 3,000 रुपए। किसान भाइयों, ये थे आज के उत्तर प्रदेश के मंडी अपडेट्स। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए कृषि फाय के साथ। धन्यवाद।